नमस्ते। आज मैं एक डिजाइन लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर डिजाइन है और ये डिजाइन का नाम है जंजीर। आप चाहे सिक्कर बोलिए चाहे जंजीर बोलिए, और ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो हम आपको ये सिखाऊंगी डिजाइन किस तरह से बनती है। और ये जो फंदे, टोटल हमारे जो फंदे हैं 40 फंदे हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है डिजाइन। ये देखिए, तो हम आपको बताते हैं डिजाइन किस तरह से बनती है। तो ये देखिए टोटल फंदे हमारे जो ये 40 फंदे हैं, ये बीच का जो हम सीधा बिने हैं 9 फंदा है और ये 6 फंदा है। ये हम 6 कांटा हम बिन लिए हैं, ये आपको टोटल कांटा बिनना है 8 कांटा। तो ये चलिए हमारा जो 6 कांटा हो गया। अभी हम इस पर बताते हैं आपको, पहले हम इस तरह से उल्टा फंदा 6 फंदा बिन लेंगे। एक बिना, दो, तीन, चार, पाँच और 6 फंदा बिन लिए हम। अब ये जो धागा है आगे की तरफ पीछे की तरफ धागा करेंगे, यहाँ 9 फंदा बिनना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, यहाँ 9 काटा हो गया, सॉरी 9 फंदे हम बिन लिए। आगे की तरफ हम धागे करेंगे, 6 फंदा उल्टा बिनेंगे, 6 फंदे हम उल्टा बिन लेंगे। इसी तरह हम पूरे काटा 8 काटा हमको बिनना है। पीछे धागा ले जाएंगे, उसी तरह हम 9 फंदे सीधा बिन लेंगे। नौ फंदा हम सीधा बिन लिए हैं, आगे धागा लेंगे, ये 6 फंदा उल्टा बिन लेंगे। ये हमारा 7 काटा हो गया है। आप चाहे तो 6 कटा पर भी ये डिजाइन बना सकते हैं, 10 कटे पर डिजाइन बना सकते हैं। तो अभी हमारा ये उल्टे की तरफ आ गए हैं, ये जो हमारा 8 कटा हो जाएगा। अब उल्टे की तरफ हम पूरा उल्टा बिनेंगे, इस तरह से पूरे फंदे हम उल्टा बिनेंगे। खाली आगे की तरफ हम बिनेंगे, 6 उल्टा बिनेंगे और 9 सीधा बिनेंगे। इसी तरह हम पूरे, अब देखिए हमारा ये पूरा 8 कटा तैयारी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम डिजाइन बनाएंगे यहाँ। तो ये पहले फंदा हम 6 फंदा जो है मैं आगे की तरफ भी धागा लेके इस तरह से उल्टा बिन लेंगे। 6 फंदा, 6 फंदा हम बिन लिए। अब क्या करना है, ये धागा हम पीछे ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बिना, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 6 फंदे बिन लिए हम। यहाँ पर हम 3 फंदे छोड़ देंगे। अब इस तरह से हम पलटी कर लेंगे, ये हम इस तरह से पलटी कर लिए। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये वाला फंदा हम उतार लेंगे, एक, दो, दो बिना, ये भी 8 काटा बिनना है, तो 1 काटा हो गया। अब क्या करना है, इसी तरह हम एक फंदा ऐसा उतार लेंगे, यहाँ पर 2 फंदे बिन लिए। फिर उसी तरह हम पलटी करते जाएंगे और बिनते जाएंगे, एक फंदा उतारेंगे और 2, दो फंदा बिना, ये तीसरा काटा हो गया। इसी तरह हम इसे ले लेंगे, एक फंदा हम अपना उतार लेंगे और 2 फंदा बिन लेंगे। यहाँ देखें 4 काटा हो गया है। इसी तरह हम फंदे उतारेंगे,
पांच हो गया कटा, एक फंदा हम किनारे को उतारेंगे, इसी तरह से हम बेल लेंगे, एक फंदा उतारेंगे और एक दो फंदे इस तरह से बीन लेंगे। ये हमारा हो गया आठ कटे। आप चाहे तो ये पिन में, आप पिन में भी उतार सकते हैं इसको और कांटे में भी उतार सकते हैं। तो इस तरह से फंदे ये गिरा लेंगे यहाँ पर, कांटा में हम इस तरह से फंसा लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ये डिजाइन बनाइएगा तो ये धागा जो है इस तरह आना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, आगे धागा ले लिए। अब ये जो फंदे हैं इस तरह से गिरा लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये फंदे गिरा लिए। ये वाला फंदा हम इस तरह से गिराएंगे, ये वाला फंदा हम इस कांटे में ले लेंगे यहाँ, ये वाला फंदा हम इस कांटे में चढ़ा लेंगे इस तरह से। एक देखिए, इस तरह से हम चढ़ा लेंगे। देखिए ये फंदे हम तीन फंदा इस कांटे पर चढ़ा लिए, तीन फंदा इस कांटे पर। अब इसको क्या करना है, ये वाला फंदे को हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये वाले फंदे को यहाँ इसको इस तरह से कर लेंगे। ये तीनों फंदे को हम बीच में ले आएंगे इस कांटे पर। ये देखिए, अब क्या करना है, इसको हम इस तरह से ले लेंगे धागे को, और ये जो तीन फंदा है हम तीनों फंदे सीधा बीनेंगे, ये वाला फंदा। इस तरह से एक बीन लिए, दो, तीन। यहाँ देखिए डिजाइन बन गया है। अब आगे की तरफ हम धागा लेंगे और छह फंदा बिन लेंगे उल्टा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ हो गया है हमारा जो ये डिजाइन है। एक जो हम सिक्कर बनाए हैं यहाँ पर, एक बन गया है सिक्कर। अब क्या करना है, उसी तरह जो हम ये डिजाइन बनाए उसी तरह हम ये वाला बनाएंगे। एक बिन लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह फंदे बिन लिए। ये हमारा इधर तीन फंदा हम छोड़ देंगे। अब क्या करने का है, इस तरह से हम पलटी कर लेंगे और एक फंदा हम उतारेंगे, दो फंदा बिन लेंगे। एक, दो, फिर उसी तरह से लेंगे फंदे, एक उतारेंगे किनारे के और दो फंदा बीन लेंगे। ये हमारा दो कांटा हो गया है। फिर उसी तरह से हम पलटी करते जाएंगे, एक फंदा हम उतारेंगे और दो फंदा बीन लेंगे। ये हमारा तीन कांटा हो गया है। इसी तरह हम आठ कांटे बीनेंगे, एक उतारा, दो बीना। ये देखिए, ये देखिए आठ कांटा हो गया है। ये फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, इस तीनों फंदे को इस कांटे पर हम ले लेंगे, धागा को आगे करेंगे।
ये वाला जो फंदे हैं हमारे, इसमें हम इस तरह से, आप चाहे तो पिन में डाल सकते हैं, चाहे ऐसे डायरेक्ट फंदा गिरा के आप, तो हम इधर से ये ले लिए फंदे, ये वाला फंदा हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक उतारा, दो, एक, तीन, तीन हमारा फंदा हो गया है। ये जो है फंदे, इस कांटे पर ले लेंगे हम, थोड़ा इसे घींच लेंगे कि हमारा फंदा ऊपर आ जाए इस तरह से, क्योंकि कांटा में फंदे डालने में आसान रहे। ये देखिए, अब इस तरह से हम ले लेंगे, ये जो हमारा फंदा है इस वक्त कांटे पर लेंगे, धागे को इधर से इधर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से फंदे ले लिए, ये वाला फंदा हम इस तरह से फंसा लेंगे, तीनों कांटे में डाल लेंगे। देखिए, इसको हम बीच में डाले हैं, तीन फंदा इधर छोड़े हैं, तीन फंदा इधर छोड़े हैं, और बीच का फंदा हम आठ कांटे बिन लिए। आठ कांटे बिनने के बाद में हम ये वाला फंदा हम इधर लिए हैं, इधर वाला फंदा इधर लिया, और बीच का जो तीन फंदे हम आठ कांटे बिनने के बाद में हम बीच में डाले हैं, ये वाला फंदा, ये जो सिक्कर बना है ये वाला। अब क्या करना है, अब ये वाला फंदा नहीं बिनेंगे, नहीं इधर वाला फंदा बिनेंगे, अब हम ये वाला फंदा, तीन फंदा बिन लेंगे सीधे में। एक बिना, दो बिना, ये तीन बिन लिए। वो देखिए हमारा जो ये सिक्कर बन गया है, यहाँ पर एक बना है, एक यहाँ बना है। अब क्या करना है, आगे धागा लेना है, और इस तरह से हम छह फंदे, ये वाला फंदा हम बिन लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर, सॉरी, आगे धागा लेंगे, यहाँ पर छह फंदा जो है उल्टा बिन लेंगे। अब हम आगे के तरफ हम छह फंदे उल्टा बिनेंगे और नौ फंदे हम सीधा बिनेंगे। अब हम उल्टे के तरफ आ गए हैं, अब हमारा ये पहला कांटा है, तो पहला कांटा है, इसी तरह हम पूरे फंदा हम बिन लेंगे, उसी तरह बिनना है, आठ कांटा बिनना है मुझे। तो ये हमारा जो पहला कांटा है, इस तरह से हम पूरा कांटा हम बिन लेंगे। देखिए, जो हम डिजाइन फेरे थे वो भी हम इस तरह से नौ फंदा उल्टे में पूरा हम उल्टा बिनेंगे, पूरा फंदा हम इस तरह से उल्टा बिनेंगे। इसी तरह से हम पूरे कांटा बिन लेंगे। देखिए, ये पूरा डिजाइन बन गई एक। अब हमारा पहला कांटा हम बिन लिए हैं, आगे धागा लेंगे, ये हमारा जो है दूसरा कांटा चालू है। छह फंदा हम उल्टा बिन लेंगे, छह कांटा हम उल्टा बिन लिए हैं, आगे धागा ले जाएंगे, यहाँ पर नौ फंदा सीधा बिन लेंगे। एक बिना, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पर नौ फंदे बिन लिए। इसी तरह हम पूरे कांटा आठ कांटा बिनेंगे, आगे धागा लिए हैं, छः फंदा उल्टा बिनेंगे। यह हमारा दूसरा कांटा चालू हो गया है। आगे धागा लेंगे, उसी तरह हम नौ फंदा सीधा बिन लेंगे। अब देखिए, हम उल्टे की तरफ आ गए हैं, पूरा फंदा हम उल्टा बिनेंगे। ये हमारा जो है
तीसरा कांटा चालू हो गया। इसी तरह हम पूरे 8 कांटा बीनेंगे। देखिए तीसरा कांटा हो गया है, अब हमारा चौथा कांटा आ गया। उसी तरह बीनेंगे, 6 कांटा हम उल्टा बीनेंगे और 9 कांटा सीधा बीनेंगे। इस तरह से हम पूरा 6 उल्टा बीन लिए, आगे धागा लेंगे, पीछे पीछे तरफ धागा ले जाएंगे और 9 फंदा हम ये सीधा बीन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसी तरह हम पूरे बिनेंगे, 6 फंदा बिनेंगे उल्टा और 9 फंदा सीधा। ये देखिए 8 कांटा हम बिन लिए हैं। उसी तरह हम ये यहाँ पर सिकर बनाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 6 फंदा बिन लिए हैं, आगे धागा ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बिन लिए, यहाँ पर हम 3 फंदे छोड़ देंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे, 1 फंदा उतारेंगे और 2 फंदे बिनेंगे। ये हमारा पहला कांटा है, 8 कांटा बिनना है। फिर इसी तरह से पलटते जाएंगे और बिनते जाएंगे, 1 फंदा उतारेंगे और 2 फंदे हम बिनेंगे। इस तरह से दूसरा कांटा हो गया, इसी तरह 8 कांटा हम बिन लेंगे। देखिए 8 कांटे हम बिन लिए हैं। यहाँ हमारा जो धागा कम पड़ गया था तो धागा जोड़ लिए हैं। इसको क्या करना है मुझे, इस कांटे में 3 फंदा डाल लेंगे इस तरह से। ये वाला फंदा हम इधर लाएंगे इस कांटे में और ये वाला फंदा हम पीछे की तरफ से ले जाएंगे। तो ये देखिए पहले हम ये 3 फंदा उतार लेते हैं पिन में। ये वाला फंदा हम इस तरह से चढ़ा लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 फंदा चढ़ा लिए हैं। अब क्या करना है, ये वाला फंदा हम इस कांटे पर चढ़ा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए चढ़ा लिए हैं और ये वाला फंदा हम इसी कांटे पर चढ़ा लेंगे। इस तरह से ये देखिए हो गया। धागे को इस तरह ले लेंगे, ये वाला फंदा नहीं बिनेंगे। ये जो 3 फंदे हैं ये हम इस तरह से बिन लेंगे। देखिए जो हमारा सिक्कर ये बन गया है। अब इसी तरह हम यहाँ पर ये डिजाइन बनाएंगे, उसी तरह आगे धागा लेंगे, 6 फंदे बिन लेंगे। तो ये देखिए खूबसूरत डिजाइन, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तैयारी हो गई है। आप जीन्स लेडीज किसी भी प्रकार के स्वेटर में डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।